रियलिटी शो लॉकअप इन दिनों सुर्खियों में है, तो वहीं शो में कंटेस्टेंट की एक दूसरे से टक्कर और कंगना रनौत का जबरदस्त अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यूं तो लॉकअप में हर एक कंटेस्टेंट ने लोगों का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक्ट्रेस पायल रोहतगी सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही के एक एपिसोड में कंगना रनौत से भी उनकी जमकर बहस हुई थी, जिस पर पायल रोहतगी ने उन्हें जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि कंगना रनौत के बिहेवियर को लेकर अब पायल रोहतगी के बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल एक एपिसोड के दौरान कंगना रनौत और पायल रोहतगी में लीडरशिप को लेकर बहस हो गई थी। शो में पायल रोहतगी ने कहा था कि मैं अपने लिए लीडर हूँ, जिस पर कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा था कि ऐसा कौन सा लीडर होता है जो अपने लिए होता है, यह किस तरह की बेवकूफी है, अपने विचार यहाँ मत बताओ, आप मुझे नहीं बताएंगे कि किसे चुनना है और किसे नहीं, यह आपका शो नहीं है। तो वहीं अब कंगना रनौत की इस बात पर पायल रोहतगी के बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि होस्ट किसी भी शो के माँ बाप होते हैं, होस्ट को चाहिए कि वे फेयर रहें और हर एक कंटेस्टेंट को बोलने का मौका दें, लेकिन यहाँ पायल को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था और हर कोई उन पर अटैक कर रहा था। उन्होंने पूनम और अंजलि का नाम लेते हुए कहा कि दोनों ने पायल को बुरा भला कहा, लेकिन किसी ने भी उन्हें एक शब्द तक नहीं बोला और कंगना को देखकर लग रहा था कि उन्होंने गाली गलौज को जस्टिफाई कर दिया है, यह बहुत बुरी बात है, आप अपने इस बुरे व्यवहार से किसी का आत्मविश्वास खत्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंद दिनों पहले ही संग्राम सिंह ने अपनी और पायल रोहतगी की शादी का भी ऐलान किया और बताया कि उनके जन्मदिन के मौके पर दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे।